हाई ऑल्टीट्यूड में आकर के चार कदम चलना भी मुश्किल हो जाता है। फिर गोली खाते हैं, गोली खा के जीता हूं, सिर दर्द हो रहा है गोली, ऑल्टीट्यूड सिकनेस हो जाती, नौजिया हो जाता है तो गोली, बीपी बढ़ गया गोली, तो बहुत सारी गोलियां साथ में चल रही। नो स्ट्रेंथ। अभी वैसे अर्ली है, जून है ये, अप टिल सितंबर ये सब रीजन खुले हुए होते। फॉर एग्जाम्पल केदारनाथ, इस साल का हम लोगों का प्लान है तो सही, बट लेट्स सी, मे बी वी लेट यू नो इफ यू वॉन्ट टू कम अलॉन्ग। बट अगर तुम 10 किलोमीटर रोज भाग सकते हो, 10 ना सही 6 किलोमीटर अगर रोज भाग सकते हो, तो पैदल पैदल नीचे से ऊपर, इट्स ब्यूटिफुल, बहुत सुंदर। पर अगर ताकत नहीं है तो फिर घोड़ा ढूंढ रहे होगे, पालकी ढूंढ रहे होगे, माने आदमी आदमी को उठा के लेके जा रहा है। जब मैं देखती हूँ चार लोगों ने उठाया है पालकी पे, और इतने तगड़े तगड़े बंदे सेठ सेठानिया ऊपर बैठे हैं, मैं हमेशा सोचती हूँ ये केदारनाथ में जाने का फल किसको मिलेगा, इस मोटे को या इन चार लोगों को। मैं फिर कह दूं, पैसा दे के आप पुण्य खरीद नहीं सकते, पैसा खर्च करके आप पुण्य नहीं खरीद सकते। हेमकुंट जाए, गोविंद घाट से शुरू हुआ पैदल, ब्यूटिफुल पीक्स, ब्यूटिफुल, छोटी छोटी वाटरफॉल्स आ रही हैं, रवीन्स चल रही हैं, और सुंदर फूल हैं, फूलों की घाटी है वहीं पे। गोविंद धाम से थोड़ा सा कट के जाता है, पूरी वैली फूलों से सजी होती, सितंबर में अगर आप चाहें तो, जून में नहीं मिलेगी। अब वहां जाके पता चलेगा तुम्हारे में स्ट्रेंथ है या नहीं है। अच्छा, आप कई लोग स्ट्रेंथ के लिए जिमिंग करते हैं, अच्छी बात है, बट आई बिलीव आपने हैवी वेट्स उठाए, आपके मसल्स बन गए, जहां आपने हैवी वेट्स छोड़े, द स्किन विल बिगिन टू सैग। एंड टू मेक दोज बंपर्स ऑन देयर आर्म्स, बंपर समझते हो, ये बंपर बनाने के लिए वो जितनी मेहनत करते हैं, उस मेहनत में बड़ा हिस्सा उनके वो कभी कभी प्रोटीन शेक्स का होता है, प्रोटीन ले रहे हैं, और आजकल तो और भी चल गया, वो सीधे इंजेक्शन यहां लगाओ, बम्प बन जाएगा। आप देखने में लगे ना बड़ी मेहनत करी जिम में, पर जब आप बहुत ज्यादा प्रोटीन लेते हैं तो उससे किडनीज पर बहुत इफेक्ट आता है, बिकॉज योर बॉडी विल हैव कीटोन्स, and body has to push them out, because after a time even they will get poisonous. I know of a boy, now obviously he's a man, he was preparing for Mr. Madhya Pradesh, jaise hota hai na Mr. India, aise wo Madhya Pradesh mein ye competition mein jaane ke liye badi mehnat kar raha tha, badi taiyari usne kari, I think so semi-finals tak bhi pahuncha. And then he had a very bad perforation of his intestine. Perforation matlab, jo uski aant wo phat gayi. Life-saving surgeries karni padi. Kam se kam nahi to 2 ya 2.5 saal wo bistre pe raha. Aur pata nahi kitni surgeries uski hui, kitna rupya paisa us pe lag gaya. Ab wo मसल्स का शेप बनाने के चक्कर में प्रोटीन ज्यादा ले लिया, वेयर एज वी शुड बी टेकिंग अ वेरी बैलेंस्ड डाइट। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लोग भूल जाते हैं, वो प्रोटीन के पीछे पागल हो जाते हैं, कार्ब सारे काट दिए, घी को कहते हाथ भी नहीं लगाना। सुझाव है, अगर आपको प्रोटीन इंटेक को लेना ही हो तो बेस्ट प्रोटीन इंटेक वुड बी देसी घी, 1 चम्मच देसी घी लीजिए, बड़ा 1 चम्मच लीजिए, 2 चम्मच ले लीजिए, तो आपके लेफ्ट राइट ये जो डॉक्टर बोलते रहते हैं ना कि घी नहीं खाओ कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, घी नहीं खाओ कोलेस्ट्रॉल, पागल हैं वो।
वो इतनी ही बात रिपीट कर रहे हैं जितनी उनको शायद उनके कॉलेजेस में पढ़ाई गई। और ये मैं कह दूं, मेडिकल साइंस जो पढ़ाई जा रही है कम से कम नहीं तो 20-20 साल पुरानी खोजें हैं जो आज भी वही किताबें में रगड़े जा रहे हैं। तो देसी घी खराब है मत खाओ, आटा मोटा मत खाओ, मैदा खाओ, ब्रेड खाओ, और जो बोतल में जूस आता है वो पियो, भले किसी कंपनी का हो। आप कभी करके देखो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट, जूस निकालिए फ्रेश, बोतल में घर की भर के रख देना उसे, एक हफ्ते बाद ठीक होगा वो, 5 दिन बाद ठीक होगा वो, 3 दिन बाद ठीक होगा वो। एक्चुअली सुबह से लेके अगर शाम को ही आप देखेंगे तो खराब हो चुका है। और जो जूस आप मार्केट से खरीदते हैं ना बॉटल्ड वाला, एक्चुअली उसमें तो जूस के नाम पे भी धोखा है। व्हाई, व्हाट दे डू इज दे डिहाइड्रेट द फ्रूट और फिर उसमें शुगर मिलाते हैं, नकली रंग मिलाते हैं और कहते हैं ये लीजिए संतरे का जूस जिसमें संतरा है नहीं, ये पीजिए सेब का जूस उसमें सेब है नहीं, सिर्फ सेब की फोटो है, ये रहा पाइनएप्पल का जूस जिसमें पाइनएप्पल है ही नहीं। क्योंकि डिहाइड्रेट कर दिया हमने, तो हम उस सुखा चुके प्रोसेस से गुजरे हुए उस जूस को पी के अगर हम ये सोचते हैं कि हमारे शरीर में ताकत आ जाएगी तो थोड़ा अकल का टेस्ट कराइए। और अगर बॉटल चीजें अच्छी होती, नेचर इज मोर इंटेलिजेंट, तो आप हमारे ना ये सब ट्रीज के ऊपर आम आम नहीं बॉटल निकल रही होती और उसमें आम का जूस होता, ऐसा तो नहीं हो रहा है। Although a mango is a very well packed fruit, उसकी बाहर की जो परत है वो बड़ी खूबसूरत है, लीची very well packed, right? बहुत सारे ऐसे fruits हैं, बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं। तो सब्जी है, फल है, आप अगर प्रोसेस्ड लेते हैं तो खा पी करके भी कमजोर रहेंगे। मुझे याद है 15-16 साल की लड़की थी, वो अपनी दादी से माँ से सबसे बोले मेरी टांगे बहुत दुख रही, टांगे दबा दो। वो पड़ी बिस्तर पे, कभी माँ दबाए टांगे, कभी दादी दबाए टांगे, भाई तुझको क्या हो गया? Why is that happening? Because we are not eating right. तो हेल्थ और स्टेमिना दोनों को बनाए रखने के लिए योगासन अति उत्तम है। और कल सुबह आपकी जो योग की क्लास होगी उसमें फर्स्ट परफॉर्मेंस एग्जिबिट करेंगे, डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे मेरे दो शिष्य, जिसमें आप उनको देखिए कि वो क्या करते हैं, तो शायद थोड़ी शर्म आ ही जाए कि हम कहाँ बैठे हैं और हमको कहाँ तक जाना है। और ये मैं कह दूँ, ये सब लोग आज जैसे आसन कर रहे हैं 4 साल पहले 6 साल पहले जब ये मेरे पास आए थे वो भी आपके ही जैसे थे, एकदम स्टिफ लाइक अ लॉग ऑफ वुड, बट नाउ विद प्रैक्टिस दे डू ब्यूटिफुल मयूरासन, पीकॉक पोज, दे डू ब्यूटिफुल हैंड स्टैंड्स, दे डू ब्यूटिफुल हेड स्टैंड, शीर्षासन, बहुत खूबसूरत बैक बेंड, बहुत खूबसूरत फॉरवर्ड बेंड, एंड विद ग्रेट डिग्री एंड एंगल इन पॉइस। व्हेन यू डू दिस व्हाट यू गेन इज स्ट्रेंथ, व्हाट यू गेन इज स्टेमिना। सो आपका जब जन्मदिन हो तो ये बड़ी सुंदर प्रार्थना अपने लिए किया करें, गॉड गिव मी लॉन्ग लाइफ, a happy life with peace and prosperity, right? And health and strength, and strength and stamina. तो तुम्हारा जन्मदिन तो आज अच्छा बीत गया, क्योंकि लिखती है कि आज तो सारा दिन से कितना अच्छा अच्छा सब कार्य किया, आरती हुई, सत्संग हुआ, आसन हुए, and so good, right? और अगर हो सके, इफ पॉसिबल, तो एस्ट्रोलॉजिकली ऐसा कहते हैं कि जिस दिन आपका जन्मदिन हो तो आपका जितना वजन है उतना गेहूं दान दे देना चाहिए,
कितना अन्न खाया तो इतना शरीर बढ़ा है ना, तो जितना शरीर बना है उतना वजन का ग्रेन्स गिव इट टू समबडी, फीड समबडी, या दोज हु नीड इट, नॉट नेसेसरीली किसी मंदिर में दो, लंगर में दो, ऐसा आवश्यक नहीं है। प्रार्थना है तो थोड़ी सी, मुझे प्रार्थना के तो बोल स्मरण आ रहे हैं, वो हम लोग करते हैं। प्रभु जी दया करो, मन में आन बसो। प्रभु जी दया करो, मन में आने बसो। प्रभु आने बसो, आने बसो, आने बसो, आने बसो। प्रभु जी दया करो, मन में आने बसो। प्रभु दया करो, मन में
करो मन में आने बसो प्रभु जी दया आने बसो आने बसो आने बसो ओ प्रभु जी दया करो मन में आने बसो।